तो हेलो गाइस, ये हमारा पहला व्लॉग है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो ये मेरे चैनल का नया व्लॉग होगा। जिठेरे यहाँ पर जिठेरे जा रहे हैं, और गलती से बोले तो हमारे साथ है हमारी दादी और मम्मा, हेलो, और मेरे पापा और मेरा छोटा भाई जो कि बाहर है। सो गाइस, ये देखिए मेरा छोटा भाई, हेलो कर। हेलो। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलिए। अरे पूरा हाथ ही लला पे आ थोड़ा सा हिलने लग गया, तब बारी खोल के खड़ा होऊंगा तो फिर वहां पे हिलेगा ही। अरे क्या हुआ, हाथ हिल भी जा रहा है। सो गाइस, ये धक्के से हिंदी हिंदी बोलते हैं, मैंने इनको बोला तो हमारे पापा, ये हमारे पापा हैं जो गाड़ी चलाएंगे। तो सो गाइस, अब चलते हैं हम अपने जठेरों के बाबा जी के। ऐसा ना, कई लोगों को पता नहीं होता जठेरों के बारे में, मुझे भी नहीं पता था। तो वो क्या हुआ, वो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मेरे को बता दिया था जठेरों का। अभी भी कई लोगों को पता नहीं होता, मेरे यार दोस्त हैं काफ़ी, मुझे पता, उनको नहीं पता होता कईयों को जठेरों के बारे में। अगर किसी भी कुरल भाई या कुरल बरादरी का कोई भी है तो हमारी वीडियो देखे और उसको अपने आप पता लग जाएगा कि कुरल जठेरे कहाँ पर हैं। ये पढ़ते हैं जंडियाला गुरु, जिला अमृतसर, और हम अभी वहाँ कपूरथले से जा रहे हैं वहाँ पे। गुफा बनी होती है, जैसे कुदरती है, ये देखो कितनी अच्छी लगती है। जैसे ऐसे पेड़ पेड़ हो ना आसपास, तो ये रोड बहुत अच्छी लगती है मेरे को। सबको सबको का तो पता नहीं भाई, मेरे को तो अच्छी लगती है ये, जैसे गुफा जैसे बनी होती है, जैसे गेट बना होता है किसी चीज का वैसे। जाम में फंस गए और लग रहा है भी शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ पड़ा है यहाँ पे। हाँ, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भैया। तो सो गाइस, हम बताना भूल गए, ये रोड जा रहा है अमृतसर को। यस, हमारे बैक साइड पे जलंधर है और सीधा हम जा रहे हैं अमृतसर की साइड में, और इसीलिए जाम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा, अभी पता नहीं किसी का नुकसान ना हुआ हो, अभी आगे चल के पता लगेगा। ओ भाई, ट्रक पलटा हुआ है, ट्रक गिरा हुआ है गाइस, ट्रक पलटा हुआ भैया एक। पर ये अभी किसी का जान माल का नुकसान ना, माल का तो हो ही गया पर जान का नहीं होना चाहिए। देखो
रोड बनाया ही नहीं है ना, बनाया नहीं, एक दो साल हो ही गए हैं है ना। फाटक, रेलवे फाटक आ गया, इससे थोड़ा सा राइट साइड पे वो देखो स्टेशन, स्टेशन दिखा अपना जंडियाले का स्टेशन है, जंडियाला गुरु का, वो देख जंडियाला गुरु का स्टेशन लेफ्ट साइड पे, मतलब कि जो अंदर रोड पे हम आए थे ना वो रोड से अगर तुम थोड़ा सा 1.5-2 किलोमीटर आगे हमने लेफ्ट होना, अगर तुम सीधा जाएंगे तो स्टेशन आएगा, थोड़ा सा लेफ्ट होना और इसके आगे फाटक पार करके राइट आकर वहां से पुल से, यहां से बस ज्यादा नहीं मेरे ख्याल में 1 या 2 किलोमीटर के करीब होगा बस यहां से, मतलब कि मेन हाईवे से 5 या 6 किलोमीटर अंदर आए, 6 किलोमीटर बाबा नागो जठेरे कुल बरादरी, ये राइट साइड पे गेट दिख रहा आपको और लेफ्ट साइड पे ये गुरुद्वारा छोटा सा, ये राइट साइड पे गेट है, गेट के अंदर जाना हमने, ये गांव ऊपर दिखा, गेट दिखा दे रहा बेटा, इधर से जाते थे खेतों खेतों के बीच में से जाते थे, पर अब यहाँ पर ना मतलब गांव वालों के थोड़ा सहयोग से या जिनकी यहाँ जमीनें हैं उनके सहयोग से उन्होंने थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी है, मतलब रास्ता दे दिया हमें वहाँ जाने के लिए, पर वहाँ पर पूरे वहाँ पर गाड़ी चली जाती है, पर ये मतलब कच्ची जगह जहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह का रास्ता होता है वही ऐसी जगह है, ये वाला रोड है, रोड ये वाला रोड है, ये वाला रोड। सो गाइस हम पहुंच गए अपने जठेरे, तो ये रहा जठेरे, चलिए अंदर चलते हैं। आया शानी द्रोदी, आप इधर आए हुए हैं ना मम्मा, अंदर मत्था टेकना, बाहर बैठ नहीं, रोटी खाते तो ठंड ही लगती है, रोटी विच चाय लेके आए उधर, तो ऊपर पंजे चले थे उधर। जय बाबा जी, जय बाबा नागो जी, वही पुराना पुराना फ्लावर फिर आ गया बाबा जी दे। यहाँ पर अभी ना काम चल रहा है इसलिए ये थोड़ा सा खलारा पड़ा हुआ, कहना बाहर को तो निकल गए तो वो ना भी मरती, वो तो पता जो मर्जी इच्छा होगी सारे उड़ा। वैसे यहाँ पे बाबा नागो जी के हमारे यहाँ तो गुड़ की कढ़ाई, मतलब गुड़ का हलवा, गुड़ और आटे का और दूध या कच्ची लस्सी वगैरह चढ़ाई जाती है, तो अगली बार ये निशा ने बोला था मैं देसी घी का दिया जगा के आना, इसलिए देसी घी का दिया लेकर आई है।
सो दोस्तों मत्था टेक लिया आप दर्शन कर लिए, ओह सॉरी पंजाबी, दर्शन कर लिया हमने, माथा टेक लिया। अब हमारा ये सेटअप लगने लगा तो यहाँ पे आपको बताया ना, हम वहाँ से खाली पेट आते हैं और यहाँ दर्शन करके फिर खाना खाते हैं, तो इसलिए खाना बना कर साथ ही ले आते हैं। अब ये हमारा सेटअप लग रहा है, ये वैसे हम अंदर ही लगाते हैं सेटअप, अंदर इसलिए नहीं लगाया, वो अंदर ना मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कोई दो लोग आए हैं वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, अंदर सफाई कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेटअप लगा रहे हैं। देखो निशा जी क्या क्या बना के लाए हैं, वो खाएंगे बाबा जी का प्रसाद। ऐसा है ना, वो जो नज़दीक रहते हैं यहाँ से वो आते रहते हैं यहाँ पे, कोई सेवा करने आता रहता, कोई कैसे आता रहता है, तो लो भी खाना में क्या है भैया, खाने में आलू की सब्जी, बाबा जी का प्रसाद, और ये निशा लगा रही है पूड़ियाँ, और ये है चाय, चाय, और ये दादी अम्मा भी बैठने लगी है, बच्चों के दादी अम्मा, ये बाबा जी के, ये देखो अब कितना खुली जगह, और ये हमारी गाड़ी लगी है यहाँ पे, दूसरी है ही नहीं। तो ऐसा था ना, पहले यहाँ पे गाड़ी नहीं लगती थी, हमें पैदल आना पड़ता था अंदर, अब तो रास्ता मतलब इतना खुला रास्ता बन गया यहाँ पे, चाहे यहाँ पे आगे 100 गाड़ी लगा लो, पार्किंग इतनी बड़ी बन गई है, पर रास्ता वही है अभी कच्चे वाला। तो आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जब आते थे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं था, तो बिल्कुल मतलब बाइक या गाड़ी, वो रोड है पीछे, वो खंबे से आगे वहाँ रोड पे लगा के आना पड़ता था पैदल, खेतों में से पैदल आना पड़ता था, कई बार पानी भी लगा होता था खेतों में, कभी कुछ लगा होता था तो दिक्कत होती थी आने के लिए। अब तो बाबा जी की कृपा और भक्तों ने मिलके सारा रास्ता बना दिया, वो देखो कितनी श्रद्धा से लोग सफाई कर रहे हैं, ये लोकल लग रहे हैं मेरे को गांव वाले। चलो बाबा जी भक्तों पे जो जो वीडियो देख रहा और हम सब पे कृपा बनाए रखना, ये लो जी खाना रेडी, खाना डाल रहे हैं लिफाफे में नहीं सॉरी प्लेटों में, ये दादी जी खा रहे हैं हलवा प्रसाद, बच्चों के दादी जी हमारे माता जी, और ये आसपास का सीन देखो भाई, देख लो भाई, देखो 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 ये फूल लगे हुए हैं खेतों में, ये खेत ही खेत चारों तरफ खेत ही खेत, वो रोड दिख रहा है जहाँ से हम आए हैं, आजो आजो आजा आजा प्रणव, तू क्या कर रहा है, जल्दी आ भाग के। ਮੈਂ ਕਿਹ ਜਨੇ ਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦੋ ਦੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਛੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆ ਬੇਟਾ ਛੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਚਲੋ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਖਾਓ, ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਓ 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 ਬੇਟਾ